कार्यक्रम को जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया उनसे मैं जानते हैं विस्तार रूप से आज का मुद्दा क्या है इस कार्यक्रम का। सर, सबसे पहले मैं आपको अरुणभूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करना चाहूँगा। थैंक यू सर। सीधा मैं ये जानना चाहूँगा जो आज के जो कार्यक्रम इस पे जो हायर सेकेंडरी स्कूल दापड़जो पे आपने जो कार्यक्रम रखा जो जहाँ पे आपका ऑनरेबल MLA दापड़जो और तालिया के MLA कम मंत्री है जो हमारे राज्य के वो भी आने का जो है खबरें मिल रहा है, तो उसको लेकर के जो है इस कार्यक्रम का विषय में आप थोड़ा जानकारी दे सकें। सबसे पहले मैं अरुण भूमि अपर सुबनसिरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आज के जो हमारे सेवा पखवाड़ा जो फोर्टनाइट सर्विस जो प्रोग्राम है हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो ये एक कैलेंडर इवेंट है और इस कैलेंडर इवेंट में हम लोग हर एक साल जो है दो तीन हफ्तों के लिए जो है हम लोग अपना एरिया का जो है लोगों के लिए और उस एरिया के लिए जो है मतलब सेवा करते हैं। तो इसी में जो है ये हमारा जो सेवा पखवाड़ा में जो है ये हमारा ट्री प्लांटेशन का भी जो है एक प्रोग्राम होता है। तो ये ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का मतलब ये है, इनका सपना है, एक विज़न है कि जो है हमारे देश में, देश ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में आज सभी जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है चल रहा है। इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है अभी पूरा दुनिया में जो क्लाइमेटिकल चेंजेस आ रहा है, तो ये क्लाइमेटिकल चेंजेस को जो है हम लोग बचाने के लिए जो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए जो है अभी ट्री प्लांटेशन का बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए जो है हमारे पार्टी जो है सभी देशवासियों को और हमारे जितने भी अरुणाचल के वासियों को, अपर सुबनसिरी के वासियों को, तलिया के वासियों को, उनसे यही हम लोग अनुग्रह और जो है एक अवेयरनेस हम लोग ऐसा प्रोग्राम चला रहे हैं जिससे जो है उनको पता चले कि ट्री जो पेड़ लगाना है वो कितना मतलब मायने रखता है लोगों के लिए। जो मतलब सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के माध्यम से जो है आज अभी जो आगे में आप लोग जो है क्या क्या काम करने जा रहा है और कब तक ये सेवा जो है आप रखेंगे? हमारे सेवा पखवाड़ा में हम लोग जो है जनरली हमारा 17 तारीख से लेके 2 तारीख तक का प्रोग्राम है जिस बीच में हम लोगों को जैसे कि स्वच्छता जो अभियान हमारा जो देश में चल रहा है उसमें जो है हमको काम करना है और लोगों को बताना है कि हमें स्वच्छ रहना है, और हेल्थ सेक्टर में जैसे कि लोगों को जो है ये जागरूक करना है कि किस प्रकार से जो है हम लोग स्वच्छ रहेंगे तो बीमार से बचे रहेंगे, फिजिकली मतलब हेल्दी रहेंगे, तो इस तरह का हमारा अवेयरनेस है। और हम साथ ही साथ जो है जैसे कि हमारा मेडिकल्स वगैरह में जो है फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी है, ऑर्फनेज में है, और ट्री प्लांटेशन का हमारा प्रोग्राम है, ये सारा प्रोग्राम जो है हम लोगों का नदियों को जो है मतलब साफ़ करना, ये सारा प्रोग्राम जो है हमारे सेवा पखवाड़ा के अंदर में आता है। आज का कार्यक्रम एक्चुअली प्लांटेशन का है, खास करके हर एक को अपने अपने माँ के नाम से एक एक पेड़ लगाना है, ये बहुत ज़रूरी है। लोग क्या करता है, हमारे यहाँ बहुत सारा प्लांटेशन का प्रोग्राम होता है, बहुत सारा डिपार्टमेंट का, दुनिया भर का बहुत सारा इवेंट्स है, लेकिन पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। तो मोदी जी का उसका जो दिमाग है, उनका जो ज्ञान है, उसके हिसाब से पब्लिक को मोटिवेट करने के लिए अगर माँ का नाम लिया जाए तो शायद माँ को रिस्पेक्ट करते हुए कम से कम एक पेड़ तो डालेगा, ये सोच के उसने हर नागरिक को ये दिया, संदेश दिया है कि कम से कम अपना माँ का नाम से एक पेड़ डालो, ये तभी जाके आज देखिए मोदी जी का ज्ञान ने काम किया। हर कोई चाहता है कि मैं भी कम से कम अपना माँ का नाम से एक पेड़ डालूं, और पेड़ डालने का मतलब ये है नहीं कि वो पेड़ उगेगा, ये नहीं, ये जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, हमारा जो इकोलॉजी है बिगड़ चुका है पेड़ पौधा कटने की वजह से। अभी आप लोगों का अभी ये देखो, हम लोग एक इंसिडेंट बताता हूँ, विश्वकर्मा पूजा 17 तारीख को हुआ, हम लोग बचपन में विश्वकर्मा पूजा में ये प्रसाद खाने के लिए हम लोग कंबल ओढ़ के जाता था, ठंडा होता था। अभी देखो विश्वकर्मा पूजा खत्म हो गया, 2 दिन हो गया, अभी इतना पसीना में तर रहे हम लोग। इसका मतलब क्या है कि हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का ये इफेक्ट है। तो इसीलिए हर आदमी एक एक पेड़ लगाएगा तो जो हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बनाए रहेगा।
इसलिए हर किसी को मेरा सबसे रिक्वेस्ट है यहीं हायर सेकेंडरी स्कूल में ही क्यों, यहाँ और भी सारा स्कूल है, वो ये थाउन मिडिल स्कूल है, ये वो रिजो मिडिल स्कूल है, उधर ये हमारा बाजार सेकेंडरी स्कूल हो गया ना है, उसमें क्यों इनको एमएलए साहब को क्यों रुकता रहता है, क्यों बीजेपी पार्टी को रुकता रहता है? आप लोग एक एक जाके एक पैर डाल के आओ ना किसी स्कूल में, हॉस्पिटल में जाकर डाल के आओ ना, हमेशा ऐसे ही एमएलए साहब को बुलाओ, मंत्री साहब को बुलाओ, ये जो ऑक्सीजन है एमएलए और मंत्री सिर्फ नहीं सूंघेगा ना, वो तो आप लोग सब सूंघेगा, ये जरूरी है। सर एक जो ट्री प्लांटेशन का जब हम देखा तो एक मेरा मन में एक सवाल आ रहा है, जैसे कि ट्री प्लांटेशन हमारे जो सरकार जो है कैंपा के नाम से जो ज़्यादातर जो सुर्खियों में अरुणाचल में चक्के रहते हैं और कैंपा में आप देखो देखा जाते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जहाँ किया जाता है वहाँ पे जो एक पेड़ अगर कटवाते हैं तो दो पेड़ लगाना, ऐसे कुछ गाइडलाइंस होते हैं। तो हमारे अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब देखा जाए तो हमारे छोटे समय से आज के दिन तक जो है बहुत रैपिडली बढ़े हैं, लेकिन जो है जहाँ तक हमारे नज़रिया से जो घास का जो संख्या पेड़ का संख्या जो है जहाँ पे हमारे स्पेशली नापर जो हेडक्वार्टर और हमारे जो दुमपुर जो तालिहा नाचो जहाँ पे हेडक्वार्टर है उस एरिया पे जो है जो पेड़ का संख्या जो है दिन ब दिन कम हो रहा है और जो सड़क निर्माण के लिए भी जो इस कार्यक्रम को जो है वहाँ पे भी फॉलो करते हैं, जो इसमें जो है कहीं ना कहीं से अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में भी पेल्यूर देखने को मिल रहा है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना सर? नहीं देखिए पेल्यूर तो है, पेल्यूर इसलिए है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत हुआ है जी। जब इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट होगा खास करके जो आप रोड कंस्ट्रक्शन करेगा तो पेड़ पौधा तो कटेगा है कि नहीं, वो तो कटेगा, उसका इफेक्ट होगा है। लेकिन हम लोगों को अपना मानसिकता बदलना होगा। अभी आप जिस तरह से बोल रहे थे जहाँ 10 पेड़ कटा अगर उसमें 20 पेड़ अगर आप लोग डाल देता है तो वो कटा हुआ तो कंपनसेट हो जाता है ना, लेकिन उसी मानसिकता को हमको बनाए रखना है। ये मैसेज अभी आपका चैनल के थ्रू से मैं हर ये को अपर सुबनसिरी के जो नागरिक हैं इनको मेरा संदेश ये है, पेड़ तो कटना जरूरी है और पेड़ आगे भी कटेगा, लेकिन जरूरी के लिए काटना चाहिए, काम के लिए काटना चाहिए। अभी जैसे अंधाधुंध काट दिया, अभी आप जस्ट सोच के देखिए, एक आप 1 एकड़ का आप खेती करेगा उसमें बहुत पहले से उगा हुआ बड़ा बड़ा पेड़ पौधा है, उसको काट के आप छोटा सा दान डालेगा, उस दान आप कितना निकलेगा, साल भर खाने के लिए भी नहीं निकलेगा, लेकिन हमारा करोड़ों का वो घास कट गया। कम से कम इसको बनाए रखना है। इसलिए आप लोग भी सब लोग मिलके, मीडिया वाला भी, लीडर लोग भी, हमारा कार्यकर्ता लोग भी, अवेयरनेस कैंप का बहुत ज़रूरी है आज का दिन में, अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है कि पेड़ क्या किस लिए ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। इसलिए आप कैंपा का बात किया, कैंपा में ऐसा भी नहीं है कि कैंपा में काम नहीं हुआ, ऐसे भी नहीं है, बहुत जगह है। अभी जैसे कैंपा के तहत हम लोगों ने बहुत स्कूल को ब्यूटीफाई किया, लेकिन क्या है अभी फिर वही सेम बात, अभी यहाँ जो अभी हम बात कर रहे थे वो आता है, हमारा गेट वगैरह ठीक ठाक नहीं है, जिसका वजह से वो हमारा पेड़ लगाया हुआ वो कोई बकरा आके खा गया, उसका प्रोटेक्शन ठीक से नहीं हुआ। इसलिए अभी प्रिंसिपल इंचार्ज को भी बोल के आया कि मैं वापस आऊँगा 6 महीने के बाद, मेरा पेड़ लगाया हुआ है कि नहीं, मैं चेक करने आऊँगा। इस तरह से एक दूसरे को समझा बुझा के, एक दूसरे को अवेयरनेस दे के ही सोसाइटी को चलाना पड़ेगा। अभी दिस इज जस्ट बिगिनिंग, ठीक है, दिस इज बिगिनिंग। हम लोगों को आप लोगों को मिल के बहुत काम करना है इन्वायरमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और ये मैंटालिटी, मैंने ये मेंटल स्टेट पे हम लोगों को। आप पढ़ लिया, आप सब कुछ सीख गया, ऐसा नहीं, समाज से बहुत कुछ सीखना है एक दूसरे से। Not everything in life needs an effort. Some things are just as easy as a click. Now get your favorite food at your doorstep from the best restaurants in your city. Served hot, straight from the kitchens of your favorite eateries to the plates in your homes, just with a touch of your fingertips.
We at AP Eats are all set to fulfill your craziest food cravings. So, what are you waiting for? Order now from AP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. COD and online payments are also available. Download the app now.